दोस्तों इस T20 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज का सफर तो यहीं तक का था, लेकिन इस आखिरी मैच में वो जीत के साथ इस अभियान का अंत करना चाहेंगे। ऑन दी अदर हैंड ऑस्ट्रेलिया के लिए ये मैच है बेहद इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये रास्ता खोलेगा सीधा सेमीफाइनल्स का। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिकेट लाइन गुरु के एनालिसिस सेगमेंट में, जहां हम कवर करेंगे T20 वर्ल्ड कप का 38th मैच, जो खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच दोपहर 3:30 बजे से। भाई अब दोनों टीम्स के बीच दोस्तों एक छोटा सा हेड टू हेड कंपैरिजन हम कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच अभी तक 16 मैचेस खेले गए हैं, जहां ऑस्ट्रेलिया जीता है 6 बार तो वहीं वेस्टइंडीज जीता है 10 बार। अगर T20 वर्ल्ड कप की बात करी जाए तो 5 मैचेस खेले गए हैं दोनों टीम्स के बीच, जहां ऑस्ट्रेलिया जीती है महज 2 बार और वेस्टइंडीज का परचम ले रहा है 3 बार। तो भैया इस लिहाज से अभी तक तो इस फॉर्मेट में वेस्टइंडीज का ही बोलबाला रहा है। वेल, अगर हम बात करें पिच की तो दोस्तों शेख जायद स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा, और अभी तक T20 वर्ल्ड कप के 8 मैचेस इस ग्राउंड पर हुए हैं, जहां फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम 4 बार जीती और रन चेस करने वाली टीम भी 4 बार जीती है, यानी कि माहौल यहां पर बराबरी का रहा है। हालांकि 5 बार कैप्टन्स ने पहले बॉलिंग करना चूज किया है। अगर हम स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो दोस्तों 4 बार स्कोर 150 के नीचे रहा है और 4 बार ही स्कोर 150 के अबव रहा है। हाईएस्ट स्कोर था इंडिया का 210 रन और लोएस्ट स्कोर रहा है बांग्लादेश का 84 रन। तो दोस्तों इस लिहाज से वंस अगेन कैप्टन्स पहले टॉस जीतकर बॉलिंग करना पसंद कर सकते हैं। हालांकि बात करें यहां पर बॉलर्स के परफॉर्मेंस की तो भैया यहां 8 मैचेस में 89 विकेट्स चटकाए जा चुके हैं, जहां पेसर्स की झोली में गिरे हैं 61 विकेट्स और स्पिनर्स ने चटकाए हैं 28 विकेट, यानी कि भैया ऑस्ट्रेलियन पेसर्स के लिए वंस अगेन ये ट्रैक कारगर साबित हो सकता है। नाउ मूविंग ऑन टू द टीम्स, दोस्तों पहले बात कर ली जाए टीम ऑस्ट्रेलिया की। हाल फिलहाल टीम 2nd नंबर पर बैठी हुई है, लेकिन ये मैच जीतते ही वो पहुंच सकते हैं सीधा सेमीफाइनल्स में। लेकिन यहां पर अगर हम इनकी टीम के परफॉर्मेंस की बात करें दोस्तों, तो अभी तक कुछ ही प्लेयर्स रन स्कोर करते हमें दिखे हैं। डेविड वार्नर ने 97 रन बनाए हैं 4 मैचेस में, 127 का इनका स्ट्राइक रेट रहा है। हालांकि पिछले कुछ समय से ये उस अपनी फॉर्म में नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन श्रीलंका के अगेंस्ट अच्छी बल्लेबाजी करी थी एंड वी होप कि उनका वही फॉर्म दोबारा लौटे। एरन फिंच की बात करें तो लास्ट मैच में इन्होंने अच्छे रन स्कोर करे थे, 121 रन बना चुके हैं 4 मैचेस में, 124 का स्ट्राइक रेट रहा है। और ये दोनों बैट्समैन अगर टॉप ऑर्डर में जमते हैं, अच्छी और मजबूत शुरुआत देते हैं, तो वेस्टइंडीज के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। अब रही बात मिचेल मार्श की, तो इन्हें लास्ट मैच में एक बार फिर प्लेइंग 11 में शामिल किया गया था। बड़ी हिटिंग करने की काबिलियत ये रखते हैं, लेकिन अभी तक इस T20 वर्ल्ड कप में इनका वो रूप सामने नहीं आया है। 3 मैचेस में 40 रन ही ये बना पाए हैं, बट स्ट्राइक रेट रहा है 148 का। तो दोस्तों टॉप ऑर्डर में ये एज अ की प्लेयर रोल प्ले कर सकते हैं। खैर ये तो हुई बात इनके टॉप ऑर्डर की, मिडिल ऑर्डर को संभालते हैं मार्कस स्टोइनिस, जो कि 3 मैचेस में 40 रन ठोक चुके हैं, स्ट्राइक रेट इनका भी रहा है 148 का। कंसिस्टेंसी रही है इनकी बल्लेबाजी में, बैक टू बैक रन स्कोर करते दिखे हैं। सो वंस अगेन दिस गाय कैन ऑल्सो प्ले अ की प्लेयर रोल इन दिस अपकमिंग कॉन्टेस्ट। हालांकि अगर हम बात करें और दूसरे बल्लेबाजों की, तो स्टीवन स्मिथ, ग्लेन मैक्सवेल जैसे बल्लेबाज भी टीम में मौजूद है, लेकिन हाल फिलहाल दोनों ही कोई बड़ी पारियां खेलते नजर नहीं आए हैं। रही बात टीम के बॉलिंग अटैक की, तो दोस्तों मिचेल स्टार्क 6 विकेट ले चुके हैं 4 मैचेस में, कमाल की गेंदबाजी करते दिखे हैं। इनका साथ दे रहे हैं जॉश हेजलवुड, जिन्होंने 4 मैचेस में 4 विकेट अपने नाम करे हैं। लेकिन यहां पर अगर किसी ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है तो वो है एडम जैम्पा, जिन्होंने 10 विकेट अपने नाम करे हैं 4 मैचेस में। हालांकि शेख जायद स्टेडियम का ट्रैक मोस्टली पेसर्स को फेवर करता दिखा है, और ऐसे में मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड और पैट कमिंस कितने कारगर साबित होते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। अब रही बात दोस्तों इनके ओपोनेंट्स वेस्टइंडीज की, तो भाई इस सीजन में, इस पूरे टूर्नामेंट में वेस्टइंडीज अपने हरफन मौला अंदाज में और पावर हिटिंग एबिलिटी को दिखाते हुए नहीं दिखी है। इवन लुइस 4 मैचेस में 77 रन बना पाए हैं, स्ट्राइक रेट रहा है इनका 140 का, लेकिन कोई बहुत बड़ी इनिंग्स खेलते हुए, बड़े बड़े शॉट्स खेलते हुए नहीं दिखे हैं सिवाय एक मैच के। निकोलस पूरन की बात करें तो भैया लास्ट 2 मैचेस में अच्छी बल्लेबाजी करी है, 99 रन जोड़े हैं, 137 का स्ट्राइक रेट रहा है, बट टीम को जीत दिलाने में अभी तक सक्सेसफुल नहीं रहे हैं। मिडिल ऑर्डर बैट्समैन शिमरॉन हिटमायर की बात करी जाए तो 100 रन बना चुके हैं, स्ट्राइक रेट रहा है इनका 138 का। छोटी छोटी कैमियो पारी ये खेलते दिखे हैं, लेकिन कोई मैच विनिंग परफॉर्मेंस इनके बल्ले से भी नहीं आई है। अब रही बात दोस्तों और दूसरे बल्लेबाजों की, तो क्रिस गेल
टीम में मौजूद थे, लेकिन इनकी जगह आंद्रे फ्लेचर को इस बार मौका दिया जा सकता है। रॉस्टन चेज ने एक मैच में अच्छी बल्लेबाजी करी थी, 30 रन के आसपास स्कोर किया था और वो भी इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में कारगर साबित हो सकते हैं। अब रही बात बॉलर्स की, तो दोस्तों ड्वेन ब्रावो का ये लास्ट इंटरनेशनल मैच होगा। अब रही बात इनकी परफॉर्मेंस की, तो 16 ओवर्स में 124 रन दे चुके हैं, 2 विकेट इनके नाम आए हैं, तो ऐसे में दोस्तों ये कितने कारगर साबित होते हैं ये थोड़ा डाउट नजर आता है। हालांकि रही बात अकील हुसैन की, तो दोस्तों 4 मैचेस में ये 4 विकेट निकाल चुके हैं, कंसिस्टेंट रहे हैं और इन्हें साथ मिला है रवि रामपाल का, जो कि विकेट निकालते दिखे हैं, लेकिन ट्रैक को कंसीडर करते हुए यहां पर एक्स्ट्रा पेसर को इंक्लूड किया जा सकता है। जेसन होल्डर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो 2 मैचेस में ये 1 विकेट ले चुके हैं, 230 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने 23 रन भी जड़े हैं, तो लोअर मिडिल ऑर्डर में होल्डर की भूमिका अहम हो सकती है। अब भैया बढ़ते हैं प्लेइंग 11 की तरफ। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की ओर से ये मैच खेल सकते हैं डेविड वार्नर, एरन फिंच, मिचेल मार्श, स्टीवन स्मिथ, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टॉइनिस, मैथ्यू वेड, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, एडम जैम्पा और जॉश हेजलवुड। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें वेस्टइंडीज की, तो दोस्तों इस टीम से खेल सकते हैं इवन लुइस, क्रिस गेल या फिर आंद्रे फ्लेचर, रॉस्टन चेज, निकोलस पूरन, कारन पोलार्ड, शिमरॉन हिटमायर, आंद्रे रसल, ड्वेन ब्रावो, जेसन होल्डर, अकील होसेन या फिर हेडन वॉल्श जूनियर, रवि रामपाल की जगह खेल सकते हैं ओशेन थॉमस। तो दोस्तों ये थे कुछ चेंजेस जो कि वेस्ट इंडीज की टीम से हमें देखने को मिल सकते हैं। अब रही बात कंक्लूजन की, तो दोस्तों दोनों ही टीम्स के की प्लेयर्स पर गौर करते हुए और स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस पर नजर डालते हुए एक बात तो साफ है कि ये मैच टक्कर का होने वाला है। वेस्ट इंडीज लास्ट मैच में अपना 100% देना जरूर चाहेगी। हालांकि अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो वो लगातार अच्छा परफॉर्म करते दिखे हैं, हम एक ही मैच हारे थे, उसके अलावा सभी मैचेस इन्होंने जीते हैं और इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में भी ऑस्ट्रेलिया के जीतने के चांसेस ज्यादा नजर आते हैं। हालांकि वेस्ट इंडीज विल लीव नो स्टोन अनटर्न इन दिस लास्ट कॉन्टेस्ट। दोस्तों आपके हिसाब से कौन सी टीम ये मैच जीत सकती है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे एक और एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें क्रिकेट लाइन गुरु के साथ। क्रिकेट की तमाम लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें क्रिकेट लाइन गुरु चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम फॉर क्विक अपडेट्स।